हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी होने वाली है डार्क सर्कल के ऊपर। जो भी आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं उसके ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपके डार्क सर्कल क्यों होते हैं और इसको ठीक करने के जो भी नेचुरल तरीके हैं उन सबके बारे में बताऊंगा आपको। और ये इस वीडियो के एंड में बिल्कुल एक नेचुरल तरीका है, उसको देखना मत भूलना और ये वीडियो पूरी एंड तक देखते रहना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना और साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा देना, जिससे कि हम जो भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करेंगे उससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम ये डार्क सर्कल होते क्यों है। इनके मेन रीजन मैं बताऊंगा आपको। इनके मेन रीजन है, अगर आपके जेनेटिक्स में होते हैं, अगर आपके दादा परदादा या आपके पापा या किसी के भी आपकी फैमिली में अगर डार्क सर्कल होते हैं तो आपको भी चांसेस है कि आपके डार्क सर्कल हो सकते हैं। सेकंड रीजन है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप पूरे 6 से 7 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं तो ये एक और कॉज हो सकता है आपके डार्क सर्कल का। थर्ड कॉज इज लैक ऑफ वाटर। अगर आप पानी कम पी रहे हो तो उससे आपकी जो भी बॉडी में वाटर की कमी के कारण आपके डार्क सर्कल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसके बाद आपके डार्क सर्कल के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फोर्थ रीजन इज अगर आप अपनी डाइट पूरी अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं, उसमें प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिशन जो भी है प्रोटीन ये सब नहीं ले रहे हैं तो आपके डार्क सर्कल बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी को इनफ विटामिन नहीं मिलते हैं उससे उसके डार्क सर्कल होने के और ज्यादा चांसेस फिर हो जाते हैं। सो गाइज, वन मोर रीजन फॉर द डार्क सर्कल इज स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से भी आपकी जो डार्क सर्कल है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप डेली स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज का, आपको स्ट्रेस है तो उसको कम करो, उसके बाद आपके डार्क सर्कल भी थोड़े कम हो जाएंगे। सो गाइस, डार्क सर्कल को हटाना इम्पॉसिबल नहीं है, ये धीरे धीरे हट सकते हैं। बट ये जो लोग वीडियो बनाते हैं ना कि डार्क सर्कल को हटाओ बिल्कुल ही एक दिन में या रातों रात, तो ये पूरी की पूरी वीडियो फेक होती है। इनको आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप धीरे धीरे अपने रूटीन में चेंजेस ला सकते हो, अपनी डाइट में इम्प्रूव कर सकते हो। सो कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिसको आप यूज करके आप धीरे धीरे अपने डार्क सर्कल को कम कर सकते हो। तो उनमें से एक ट्रिक है जो मैं बताऊंगा, जो मैं भी यूज करता हूँ, मेरे भी हल्के हल्के हैं तो उनको हटाने के लिए मैं भी ये यूज कर रहा हूँ आजकल। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, नेचुरल तरीका ये है कि आपको ये लेना है क्यूकम्बर, खीरा, इसके 2 स्लाइसेस लेने हैं। सो गाइस, इसको आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है 15 to 20 मिनट तक, जिससे कि ये पूरे ठंडे हो जाए। एंड देन उसके बाद आप इसको अपने आइस पे रख के ऐसे 10 से 15 मिनट तक आप इसको रेस्ट कर सकते हैं। इसको लेके ऐसा रखें, इससे आपकी स्किन की जो वो है डलनेस है वो इम्प्रूव होगी, आपके जो ब्लैक हेड्स है वो कम होंगे एंड जो आपके आइस है उसको रिफ्रेशिंग फील कराएगा। बिल्कुल आपको एक रिफ्रेशमेंट सी फील आएगी आपके आइज में, जो आपकी टायर्डनेस है या रिंकल वगैरह आते हैं साइड साइड में तो वो सब इम्प्रूव होंगे। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे रखने के बाद आप इसको मसाज कर सकते हैं अपने जो ये भी डार्क सर्कल का एरिया उससे ऊपर एंड जो नीचे, इससे मसाज करने के बाद, इसे 10-15 मिनट मसाज करने के बाद आपको इसको कोल्ड वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है एंड देन बस इतना करना है। सो गाइस, आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है दिन में 2 बार 2 वीक तक, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा, धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल कम हो जाएंगे। बट आपको ये डेली फॉलो करना है, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप डेली फॉलो नहीं करोगे तो। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं अपनी वीडियो में कि भाई हाँ ये लगा लो वो लगा लो, ये डार्क सर्कल एक दिन में गायब हो जाएंगे, पूरी रातों रात गायब हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपके डार्क सर्कल बिल्कुल ही गायब हो जाए। सो गाइस, हाँ कुछ टाइम लगेगा, आपके डार्क सर्कल थोड़े कम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपके डार्क सर्कल बिल्कुल ही गायब हो गए, बिल्कुल दिख ही नहीं रहे, बस हल्के हल्के आपके डार्क सर्कल धीरे धीरे कम होते रहेंगे अगर आप ऐसी नेचुरल रेमेडी यूज करते रहोगे। तो ये है आज की वीडियो, मैंने बताया आपको डार्क सर्कल हटाने के तरीके एंड आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, आपको क्या कैसे कैसे अपना रूटीन फॉलो करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और कुछ हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो नीचे कमेंट करो, या आप कोई भी नए सजेशन दे सकते हो, या कोई भी कुछ भी आपको बोलना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कुछ भी करो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो इसको लाइक करो वीडियो को और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड एवरी, ये लिंक आ रहे होंगे आपके साइड में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखे होंगे मैं नीचे, तो वहाँ के आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, दैट्स इट एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेक्सी।